हेलीकॉप्टर क्रैश साइट का एक नया वीडियो सामने आ गया है। क्रैश साइट से शवों को निकाला जा रहा है। बहुत हृदय विदारक तस्वीरें सामने आई हैं। शवों को निकालती दिखी ईरानी सेना की टीम और ज्यादातर शव जो हैं वो क्षत विक्षत हो गए हैं और ऐसे में उन तमाम शवों को इकट्ठा करके अब निकाला जा रहा है और क्रैश साइट से ये तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं। इब्राहिम रईसी रविवार को अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अलियो के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। उद्घाटन के बाद वो ईरान के तबरेज शहर की तरफ लौट रहे थे। लौटने के दौरान अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के वर्जेकान शहर के पास हेलीकॉप्टर लापता हो गया। हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लियान, तबरीज मस्जिद के इमाम अयतुल्ला अल हशेमी, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालिक रहमती, सरदार सईद मेहंदी मुसाबी समेत कुल 9 लोग सवार थे। हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई। जिस जगह पर रईसी का हेलीकॉप्टर गिरा वो इलाका ईरान के तबरेज शहर से 50 किलोमीटर दूर वर्जेकान के पास है। जिस इलाके से रईसी का हेलीकॉप्टर गुजर रहा था वहां काफी कोहरा था। पहाड़ी और घना जंगल होने की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम थी। बचाव और राहत के लिए विशेषज्ञों की टीम लगाई गई। 19 घंटे चले ऑपरेशन के बाद हेलीकॉप्टर का मलबा मिला। हेलीकॉप्टर में सवार कोई भी जीवित नहीं था। रईसी समेत सभी लोगों की मौत हो गई। और इस बीच आपको बता दें 7 दिन में एटमी पावर बनने वाला था ईरान। आईएईए के डायरेक्टर का सबसे बड़ा दावा, रईसी के नेतृत्व में ही ईरान परमाणु पावर बनता, लेकिन उससे पहले ये बड़ा हादसा हो गया। और क्या हेलीकॉप्टर क्रैश का परमाणु बम कनेक्शन है? आइए इस पर और डिटेल में आपको बताते हैं कि क्या कुछ सामने आ रहा है। क्या हेलीकॉप्टर क्रैश का परमाणु बम कनेक्शन है? आईएईए के डायरेक्टर राफाल ग्रोसी का बड़ा दावा सामने आया है। सिर्फ 7 दिन में एटमी शक्ति बनने वाला था ईरान। जी हाँ, और इसके अलावा जो कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर निगरानी एजेंसी है आईएईए, इसकी तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा है जिसमें कहा यह जा रहा है कि ईरान के पास बेहतर क्वालिटी का यूरेनियम का भंडार है और तेजी से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ रहा था। 18 गुना ज्यादा बेहतर क्वालिटी के यूरेनियम का भंडार ईरान के पास है। ये जानकारी 90% क्वालिटी वाले यूरेनियम का भी भंडार ईरान के पास ही है, आईएईए की तरफ से कहा जा रहा है। एटम बम के लिए 90% क्वालिटी वाला यूरेनियम ही जरूरी होता है जो ईरान के पास था और इसीलिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा था। आईएईए को एटमी प्रोग्राम पर नजर रखने से रोक चुका है। इसके अलावा ये जो टकराव है वो ईरान और आईएईए के बीच में है। ईरान ने पहले ही यूएन के निगरानी उपकरणों को हटाया है। पुष्पेश पंत सर, मैं आपके पास आ रही हूं, इस बात की आशंका कितनी ज्यादा है कि क्योंकि आईएईए के साथ एक ईरान का टकराव रहा कि यूरेनियम संवर्धन ज्यादा था इसीलिए उसे रोकने की कोशिश भी थी, तो क्या इसीलिए ईरान को रोकने के लिए क्या ये बड़ा हादसा के रूप में अंजाम हुआ या इस तरह की घटना के रूप में अंजाम हुआ? देखिए, मेरा मानना है कि टकराव सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में है। इसमें बीच में आईएईए को लाना बेकार है, मुद्दे से हमको भटकाना है। दूसरी बात, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि 7 दिन बाद ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने वाला था। यदि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश है तो वो बन चुका है, उसकी घोषणा 7 दिन बाद होने वाली थी। मेरे ख्याल में जितने अमेरिकी और इजरायली प्रयत्न हुए हैं ईरानी कार्यक्रम को पटरी से उतारने के, उनके बावजूद ईरान ने 90% कुछ यूरेनियम संशोधित कर लिया है, बड़ा भंडार उसके पास है। और ये कहना कि उसने निगरानी बंद कर दी है, क्योंकि जो समझौता था ओबामा के काल में जो हुआ था ईरान के साथ कि सैंक्शंस वापस ली जाएंगी, उसकी कमर आर्थिक रूप से नहीं तोड़ी जाएगी, वो सब अमेरिका ने नहीं किया। और मुझे लगता है कि कुल मिलाकर आज ये कहना, और दुनिया के जितने देश हैं जिन्होंने बिना घोषणा के परमाणु अस्त्र हासिल किए हैं, कोरिया हो या पाकिस्तान हो, स्वयं उसमें इसराइल को आप सारे शामिल कर सकते हैं, तो अमेरिका ने किस पर प्रतिबंध लगाया है? और ईरान के साथ इस तरह के दोहरे मानदंडों के बाद ये कहना कि रईसी 7 दिन बाद घोषणा करते तो क्या वो अपनी खुदकुशी को बुलावा दे रहे थे कि मैं 7 दिन बाद परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करूंगा, परीक्षण करूंगा और उसके बाद अमेरिका जो चाहे कुछ नहीं कर पाएगा। आज भी ईरान की स्थिति है कि अमेरिका उसका बाल बाका परमाणु शक्ति संपन्न वो हो या ना हो नहीं कर सकता है, क्योंकि ईरान की अपनी एक हस्ती है, उसकी भू राजनीतिक स्थिति है, जियोपॉलिटिकल स्थिति है, वो बड़े मात्रा पे तेल का उत्पादक और निर्यातक है, रूस और चीन के साथ उसके संबंध हैं, मुस्लिम
देशों को उसने वादा किया था कि वो परमाणु संयंत्र सऊदी अरब से लेकर खाड़ी देशों तक को दे सकता है। तो ये कुल मिलाकर कहना कि एक परमाणु बम बन रहा था, 7 दिन बाद वो तैयार हो जाने वाला था, कुछ समय के लिए आप उसे मातम के माहौल में स्थगित कर सकते हैं। हाँ। तो कोई खास फर्क इससे पड़ने वाला? बिल्कुल बिल्कुल पुष्पेश जी, आपने सही कहा, लेकिन जब बात साजिशों के एंगल की हो रही हो तो देखना यह पड़ता है कि ईरान की इन दिनों अदावत सबसे ज्यादा किसकी थी, और ऐसे में इसराइल और अमेरिका, इन दो देशों का नाम जहन में आता है। और ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर अमेरिका लगातार ईरान पर हमलावर था, इससे भी कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्रैश की वजह क्या रही, अभी ये सामने आना बाकी है, जांच शुरू हो चुकी है।